शुरुआत तो हमारे घर से ही हो गई थी जब मैंने बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो घर से ही बोलना शुरू कर दी भाई अपनी शक्ल तो देख ले, टाइप में। उस, उस जगह से में, सच बोलने वाली टाइम से मैं निकल चुका हूँ अभी मैं आपके सामने बहुत झूठ बोल सकता हूँ आपको पता ही नहीं बोल नहीं है? अभी, तक, अभी तक नहीं बोला <laughs> नहीं <ने>, मत बोलना <laughs> <laughs> जो बॉन्डिंग है आपकी मे बी शाहरुख सर और सलमान सर इन फील नर्वस बहुत सारी चीजें हैं जो उनसे सीखने लायक है पेशेंस यू नो और एक जिद एट द सेम टाइम आपके पास जिद हमारे पास भी है आपको लगता है कि वैसे मूवीज बन भी नहीं रहे हमारे बिल्कुल बन भी, भी नहीं रहे फैक्ट है।, है नहीं बन रहे वो स्टार की एक्टर्स की डेट चाहिए उनको बस डेट खट खट, खट 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 लिखा वो चलो बनाओ बहुत ही सैड है जैसे हमारे यहाँ होता है एक्टर्स के बीच में बोला जाता है है एक पब्लिक का होता है। और एक इंडस्ट्री का एक्टर होता yeah. है पब्लिक के एक्टर को की जो फिल्म है वो पब्लिक तक पहुंच ही नहीं रही है लेकिन जो इंडस्ट्री का एक्टर जिसको देखना नहीं चाहती पब्लिक उसकी पिक्चर उसके घर के आगे लगेगी आई एम नॉट लगी हुई बट एक होता है जब मेकर्स फिल्म बनाते हैं तो वो अगर रिलीज कर रहे हैं तो उसको करेज के साथ रिलीज करो ना क्यों बना रहे हो फिल्म मुझे मे, मे, तो समझ में नहीं आया तो वैसे लोग नहीं देखने जा रहे फिल्म को अंतारा फिल्म थी छोटी सी फिल्म थी बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी वो मेरा दोस्त है ऋषभ तीन सौ चार सौ थिएटर में उसके बाद वो पता चलता गया उसी तरीके से वो और सिनेमा हॉल बढ़ाते चले गए और वो एक कल्ट फिल्म बन गई बिल्कुल ये आज के समाज में स्पेशली कि जो साइलेंट बंदा बैठता है लोग मान लेते हैं कि यही गिली है

actually playing leads in all his films. That's a success story in itself. Nawazuddin Siddiqui sir joins me for a conversation only on Bollywood Bubble. Thank you so much, sir. Thank sir, मैं आजकल जब movie देखता हूँ ना आपके पुराने वाले जहाँ पे आप इतने इतने से role करते हो अचानक आपका वो scene आता है और बोलते हैं अरे अरे sir. But मुझे ये जानना है कि you know you came with no backing. आपके पास वो जो होता है ना कि एक प्रिविलेज बैकग्राउंड भी नहीं था कुछ भी नहीं वहाँ पे डिफिकल्ट हुआ पहले लाइक टू कन्विंस कि मुझे एक्टर बनना है ऑफ uh, कोर्स बहुत डिफिकल्ट था पहले तो शुरुआत तो हमारे घर से ही हो गई थी जब मैंने बोला कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो घर से ही बोलना शुरू कर दिया भाई अपनी शक्ल तो देख ले टाइप में <laughs> तो वहीं से डिमोरलाइज हो गए थे हम लोग तो बट एनी वे एक था दिमाग में फिर जब मुंबई आए तो असिस्टेंट को डाउट रहता था कि ये एक्टर दिखने में तो पहले तो ये बहुत था ना अभी तो थैंक गॉड ये सारी चीज़ें हो गई कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्में चलने जिसमें हमारे जैसे फेसेस खपने लगे अदरवाइज जब हम लोग आए थे यहाँ पे 2000 में तो किसी ऑफिस में चले जाते थे तो असिस्टेंट ऐसे ऊपर से नीचे तक देखता था बोलते तो 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 कौन हो आप लोग नगे एक्टर हैं प्लेयर दिखने से तो लगते नहीं एक्टर हो तो ये आई थिंक दस साल तक सुनने को मिला तो फाइनली कुछ सिनेमा थोड़ा डिफरेंट होता चला गया फिर हम लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्में स्क्रीनिंग होने लगी तो थोड़ा सा इनको भी अब पता चला कमर्शियल फिल्म में कि भाई हालांकि पता था बट उन्होंने कास्ट करना शुरू कर दिया ये हुआ बट नवाज सर डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू फेल्ट लाइक दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ जहाँ पे अपने करियर का सवाल हो कि आपको बहुत एक टाइम तो ऐसा था आई स्कैड

शुरू उससे भी पहले ये था कि कोई एक सीन है एक, एक सीन का एक्टर है जो बहुत अच्छा करता है एक ही सीन करता है लेकिन पिक्चरों में तो फिर उसके बाद दो सीन हुए फिर पीपली लाइव में आके मतलब काफ़ी सीन मिले उसके बाद तो फिर ऑफकोर्स कहानी और ये गैंग्स ऑफ आसीपुर वॉज द लाइक टर्निंग पॉइंट स्पेशली गैंग्स ऑफ वासीपुर के उसमें पूरा ही उसमें फिर तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी पड़ गईलट्स कि आप इतने ऑनेस्ट हो मतलब आप ऑनेस्टी के साथ सब कुछ बोल देते हो बट यहाँ पे सब कोई गाइडेड होता है मतलब हर कोई एक एक पी आर मशीनरी सबके साथ है कि उनको बोला जाता है कि ये बोलो ये ना बोलो ये आप ऐसा बिल्कुल नहीं हो आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है like, बिकॉज़ हाँ, ता, मैं, मैंने सोचा कि इवन शुरू से जब मैं स्कूल में पढ़ता था जब छोटा सा था तो मैं दीवारों पे ना कोटेशन लिखी हुई थी ऑनस्ट बनो सदाचार बनो ये बनो वो बनो तो मैं वैसा होता चला गया फिर बाद में बोला यार ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मामला तो थोड़े दिनों तक उसको मैंने साइड में रखा और थोड़ा अपनी मर्ज़ी से थोड़ा मिस्टेक भी, 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 भी करने लगा और अपने अपने तरीके से जीने लगा फाइनली ख़ुद को गिल्ट होने लगा फिर वो चीज़ जो है ना मंटो में निकल के आई जब मैं मंटो कर रहा था मंटो की प्रिपरेशन सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है ऐसे मैंने सोचा कि अगर खुद से नवाज तो ऑनेस्ट है तो पूरी उसमें कोई कैरेक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं मंटो में सिर्फ जो तू है नवाज वैसा ही पोर्ट्रेट वैसा ही प्ले करना है तो किया और उस दौरान जो है काफी सच सच भी बोल दिया मैं तो प्रॉब्लम भी हो गई बट कहीं न कहीं मिस्टेक्स भी हुई पर फाइनली जो है वो थैंक गॉड उस उस जगह से मैं सच बोलने वाली टाइम से मैं निकल चुका हूँ अभी मैं आपके सामने बहुत झूठ बोल सकता हूँ आपको पता भी नहीं क्या गया अभी तक नहीं बोला बट मुझे कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि एक फिल्म से दूसरे फिल्म में जाने के लिए बिकॉज अभी तो ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे रोल्स जैसे आपने बोला कि एक सीन नहीं होता है पूरी की पूरी मूवी आप पे बन रही है तो आपको लगता है कि वो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होता है या फिर आप भी बाकी एक्टर्स की तरह बन गए हो जहाँ पे अक्षय कुमार बोला जाता है ना कि चार चार मूवी करता है साल में वो करते हैं और अभी तो आपकी छह मूवी आ रही है दिस ईयर विल है नहीं मेरे से मैं सच बताऊँ मेरे से ऐसा मेरे को एक रोल से निकलने के लिए बहुत टफ टाइम होता है और दूसरा रोल क्योंकि मैं अगर एक रोल को ख़त्म करके ज़ीरो पे आऊँगा तो दूसरा रोल ही कर सकता हूँ तो वो गैप मुझे चाहिए लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रमन राघव जब मैंने की थी उसके बाद में जो कोई दूसरी फिल्म होती चूट टाइप की इस तरह की फिल्म करनी थी तो मैं रमन राघव करने के बाद ना मैं काफ़ी दिनों तक बीमार भी रहा हॉस्पिटलाइज भी हो गया और ख़ुद से मेरे मुझे ही ख़ुद को डर लगने लगा yeah. तो इस तरह की चीज़ें हुई पर तो फाइनली मैंने गैप लिया एक दो महीने का अपने गांव गया वहाँ रहा नॉर्मल हुआ उसके बाद आया

सिर्फ ये जानना है कि कुशान नंदी के साथ आपने पहले भी एक मूवी की है ये ये सेम सेम टीम है, wrong, know, सेम टीम।, आ, आ, सेम टीम है 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 इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू नो मूवी भी बहुत एक हार्टलैंड वाले स्पेस में है। तो ये जब आया तो आपको सबसे ज्यादा अपील क्या किया है इसके बारे में मुझे अपील ये लगा उसमें कि ये एक तो जो कैरेक्टर है वो जैसे आपने बताया कि हार्टलैंड वाली फिल्म है कैरेक्टर भी वैसा ही है और बहुत ही कनेक्टेड फील होने वाले कैरेक्टर स्पेशली जैसे यूपी में बिहार में या एम पी या जो हिंदी बेल्ट है उनमें बहुत ही कनेक्टेड होने वाला रोल है हर दूसरा बच्चा जो होता है वो जुगाड़ू होता है ना जुगाड़ से बहुत कुछ होता है वहाँ जो यंगस्टर्स है वो उनके पास जुगाड़ बहुत हैं आप दुनिया आप बोलो कि मुझे चांद चाहिए तो वो आपको चांद ला के देगा वो इस तरह का है उनके पास जुगाड़ जो है <laughs> <That is true. laughs> मुझे याद है जब डियर जिंदगी रिलीज हुई थी तब आप लोग क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे रईस का हाँ माडाइलैंड में Hmm. और हमारा सक्सेस इंटरव्यू था तो मैं गया था आपके शूट पे और मैंने देखा था जो बॉन्डिंग है आपकी विथ मे बी ए शाहरुख सर और सलमान सर एंड जिस तरीके से वो लोग आपके बारे में भी बात करते हैं एज एन एक्टर यू नो दे वर्क विथ यू द टीम्स वर्क विथ यू इन मल्टीपल वेज मुझे जानना है कि इन द बिगिनिंग बिकॉज यूर एन आउटसाइडर सुपर स्टार्स फील नर्वस यू नेवर नर्वस और um, जब ये लोग आपको इतना अपनाते हैं तब आपको कैसा लगता है सी पहले ऑफकोर्स उनके साथ तो खैर काम करना एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है हमेशा भाई के साथ जैसे दो काम किए एक हाँ। उनके होम प्रोडक्शन की फ्री क्वली भी की मैंने हाँ वही और जब भी थोड़ा सा भी कभी भी भाई का फ़ोन आ जाता है कि ये फिल्म करनी है है ना मैंने भाई ये फिल्म मज़ेदार नहीं है टाइप में तो फिर दूसरी फिल्म का कॉल हो जाता है मतलब वो चाहते हैं कि वो फिल्म प्रोड्यूस करें और मैं उसमें एक्ट करूँ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप ये देखिए कि इतना एक इतना बड़ा सुपर स्टार और जब इतने हम्बली वो इस तरीके से बात करते हो तो ऑफकोर्स कहने ना ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑफकोर्स अपना रखा है मुझे हाँ। ये उनकी एक ग्रेटनेस है उन लोगों की चाहे शाहरुख साहब हों चाहे हो, सलमान हों चाहे आमिर हों और जब भी कॉन्टेंट ड्रिवन कुछ होता है तो ज़रूर कॉल मुझे करते हैं तो ये बिकॉज ऑफ के उनको पता है मेरे बारे में मेरे काम के बारे में पता है और मेरे प, आ, मेरे पर्सनल जो मैं किस तरह का इंसान हूँ ये भी पता है तो इसलिए ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है

Uh, <clears throat> इतने जिद्दी तरीके से काम करते हैं और सस्टेन करने की जो पावर है ताकत है उनके अंदर करेज है yeah. वो बहुत ही लर्न करने वाली बात है एक्चुअली yeah. ये चीज़ मैं उनसे बहुत सीखता हूँ बट वीट सीन यू सो मच इन लाइक वो मूवी में उतना ज्यादा प्रोमोशन नहीं हुआ कि यार, मेरे भी नहीं हुए तो आई एम है anything about Afwa that because it's its such a a special film do you feel that it didn't get get its due in a way actually film का क्या होता है I don't know पता नहीं क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता not talking about अफवाह but एक एक होता है जब makers film बनाते हैं तो वो अगर release कर रहे हैं तो उसको courage के साथ release करो ना है ना अब ये क्या बहुत सारे जैसे कॉल आ रहा है मेरे पास कि कहाँ पे रिलीज है अब मैं उनको मैं बताऊँ उनको कहाँ पर रिलीज है फिल्म इंडस्ट्री की तौर से फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी पूछ रहे भाई कहाँ पर रिलीज़ है तो मैं 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 बता ही नहीं पा रहा हूँ कहाँ पर रिलीज है अब क्या होता है कि कलेक्शन होगा उसका ऐसे ही फिर है ना और फिर बता दिया जाएगा कि भाई नवाज़ की पिक्चर है इतना कलेक्शन हुआ नवाज फ्लॉप एक्टर है तो यार इससे सीधा आप डायरेक्ट ओ टी कर दो ना रिलीज़ या क्यों बना रहे हो फिल्म मुझे मे, मे, तो समझ में नहीं आया अब, क्या होता है सब कुछ एक्टर पर पड़ जाता है फिर वो एक थोड़ा सा आप पचास साठ स्क्रीन पर रिलीज़ करो करोगे उसका और उसका कलेक्शन कितना होगा वैसे ही लोग नहीं देखने जा रहे फिल्म को है ना तो जैसे साउथ में होता है कि भाई एटलीस्ट उन्होंने तीन महीने का गैप लिया तीन महीने रीथिंक किया रिसर्च किया क्या वीक क्या चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ऑडियंस नहीं आ रही और फिर रिलीज़ करनी शुरू की अब वापस से वो थिएटर में भर भर के ऑडियंस आ रही है वहाँ पर बिल्कुल तो हमारे पास हमारे यहाँ पे भी ये तरीका होना चाहिए कि एटलीस्ट हम बैठेंगे भाई ऑडियंस क्यों नहीं आ रही बाप क्यों क्यों आना चाहिए ऑडियंस को क्या क्या चीज़ें उनको रोक रही है ये पता होना चाहिए ना हमें बट आपको लगता है कि इंडस्ट्री हमारी स्पेशली जैसे आपने कहा कि साउथ इंडस्ट्री में कुछ कुछ मूवीज़ जैसे बहुत कमाल की कम, काम कर रही है जो छोटे बजट की मूवीज़ है वो भी तेलुगु तमिल में उनके जोन में बहुत अच्छी काम कर रही है ऑनिस्टली एम फ्रॉम कैलकाटा कैलकाटा में भी दो तीन मूवीज बहुत अच्छी काम करी हाँ, है मतलब हाँ, मैंने मैं जब कैलकाटा गया था मैं हाँ, खुद देख के आया दो तीन हाँ. तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में एक वो होना चाहिए कि थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन

पहले तो रिलीज ही नहीं हुई उस तरह की कॉन्टेंटेंट फिल्म जो अच्छी हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है सब ओटीटी पे गए सब ओटीटी पे जा रही है और अगर वो वो फिल्म है जो अच्छी फिल्म है जो अगर थिएटर में रिलीज़ हो अच्छे तरीके से रिलीज़ हो तो क्यों नहीं आएगी आप ये देखें ना कंतारा फिल्म थी छोटी सी फिल्म थी बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी वो मेरा दोस्त है ऋषभ छोटी सी फिल्म को रिलीज़ किया चूँकि फिल्म अच्छी थी बहुत ज़्यादा उन्होंने वो मार्केटिंग मार्केटिंग भी नहीं किया था उन्होंने मुश्किल से कम थिएटर में उसको रिलीज किया तीन सौ चार सौ थिएटर में रिलीज़ किया उसके बाद वो पता चलता गया उन्होंने उसी तरीके से वो और सिनेमा हॉल बढ़ाते चले गए और वो एक कल्ट फिल्म बन गई बिल्कुल बिल्कुल है ना हमने एक महीना बाद देखा है मूवी देखो और जबकि मैं आप ये देखेंगे जब यहाँ पे रिलीज हुई थी उससे एक महीना पहले वहाँ रिलीज हो exactly. गई वो वो है तो लोग देख देख के मुझे बता रहे थे कि यार एक फिल्म है कंतारा कमाल की फिल्म है ये वो और बताने से पता चल जाता है यार ये बंदा किसी की साइड नहीं ले रहा है जेनविनली बता रहा है कि फिल्म वाकई वो फिल्म बहुत अच्छी है तो मैंने तब देखी वो फिल्म आपको बहुत पसंद है मुझे बहुत पसंद आई आपको लगता है कि वैसे मूवीज बन भी नहीं रहे हमारे बिल्कुल बन भी नहीं, नहीं रहे फैक्ट है नहीं बन रहे बहुत इजी हो रहा है मतलब वो स्टार की एक्टर्स की डेट चाहिए उनको बस डेट मिलकर खट कर खट -ख़़ खट लिखा दो चलो बनाओ प्रोजेक्ट बनाओ प्रोजेक्ट बन रहे जो जो बहुत ही सैड है एक्चुअली ये यू नो अब जो आदमी अपनी स्क्रिप्ट पे तीन तीन साल काम करके आता है उसको फिर उसको उस, उसको ढूंढना पड़ रहा है और जो आदमी काम ही नहीं करते उनको इमिजिएटली फाइनेंस भी मिल जाता है और काम शुरू भी हो जाता है और वो बनेंगी कैसी वो फिल्म ये भी है ना वो भी है वो देखो खुल के तो बोलना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा कि जिस जो हाल इस वक्त सिनेमा का है वो खत्म हो जाएगा अगर रीथिंग नहीं करेंगे हम लोग है ना गिवन दैट हम लोग सिनेमा क्रिकेट

Put the entire film industry at large, to जो और वो फिल्में हो रहे हैं, उससे बहुत पब्लिक तक पहुंच ही नहीं रही है, yeah. है। लेकिन जो इंडस्ट्री का एक्टर जिसको देखना नहीं चाहती पब्लिक उसकी पिक्चर उसके घर के आगे लगी हुई है पब्लिक के घर के आगे लगी हुई है वो देखता है यार मैं तो इसको देखना चाहता हूँ इस एक्टर को देखना चाहता हूँ इसकी फिल्में आ ही नहीं रही या वहाँ तक पहुँचती नहीं आप रिलीज़ कर तो साठ सत्तर स्क्रीन पर रिलीज़ करके वो ढूंढ रहा है कहाँ पे लगी है अच्छा वो वहाँ से बाएं ले, ले लेना बाएं से तू जब रात के टाइम है ग्यारह बजे निकलना यहाँ से बारह बजे का शो है तो एक घंटे में स्कूटर छोड़ अपना ऑटो छोड़ देना ऑटो से फिर दाएं लेना बाएं लेना फिर वहाँ पे जाके एक सिनेमा हॉल है

थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए बदलाव आना चाहिए हाँ मतलब ऑफकोर्स ये नहीं कि भाई सौ करोड़ की पिक्चर बन रही है उसमें पचास करोड़ उसी के हैं खाली हाँ. स्टार्स के जो उसमें स्टार, है उसके अब मूवी करोड़ करती भी नहीं हैं हाँ, अब तो कहते पेंडेमिक के बाद देखो ये थ्योरी बिल्कुल ही बेमानी हो गई कोई मतलब नहीं थ्योरी का चो. कि अगर आप इतना पैसा ले रहे हैं और इतने करोड़ की पिक्चर बना रही हो और आप इतना पैसा ले रहे हैं हाँ पहले था क्योंकि स्टार्स की वजह उसकी फैन फॉलोइंग है वो आती है देखने आप तो वो भी भी नहीं नहीं रहा, रही नहीं। uh. फैंस में भी नहीं रही। That's true. आपका एक मूवी है जो आ रहा है हड्डी। um, मुझे सिर्फ जानना है सर कि आपको लगता है कि आज के जमाने में आपने तो ऐसे रिस्क बहुत लिए ठीक है hmm. आज आप अपने जगह पे एक स्टार हो आपको लोग पसंद करते हैं बहुत एक्टर्स हैं, बहुत टाइम uh, सिर्फ हड्डी तो फिर भी एक स्मॉल बजट मूवी है जहाँ पे यू नो फिल्म बट ऐसे भी हुए हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की मूवीज़ में अगर कोई ट्रांसजेंडर कैरेक्टर रहा है या फिर कोई होमोसेक्शुअल um, कैरेक्टर रहा है बड़े से बड़े एक्टर्स ने उसको ना बोला है बिकॉज दे डेंट वॉन्ट कि लोग उनको उस तरीके से देखें ये भी एक है आपको आप, आप, आप इंडस्ट्री से हो आपको इस बारे में क्या बोल रहे सी ये जो इमेज कॉन्शियसनेस है ना स्टार की तो ये बहुत ये आज से नहीं बहुत पहले से है एक्चुअली मोस्टली uh, यहाँ एक्टिंग से ज़्यादा अपनी इमेज का ख्याल रखा जाता है हमने वो आते ही ना शुरू में उसी को किल कर दिया यू you नो know? इमेज क्या होती है एक्टर की इमेज इमेज को तो मतलब पानी की तरह होना चाहिए किसी भी सांचे में डालो उसी का शेप ले ले एक्टर तो ये क्योंकि पहले भी जो हीरो के रोल करते थे वो कभी विलन के रोल या गैंगस्टर के रोल या करते हुए कतराते थे, थे या ये भी सुना है मैंने तो इंडस्ट्री में किसी ने अगर एक लड़की को अपना भाई बना लिया अपना भाई बहन बना लिया किसी स्टार ने तो उसको दूसरी पिक्चर में अपनी वाइफ नहीं बनाया तो इस तरह के टैबूज और ये इस तरह का इमेज कॉन्शियसनेस ये हो सकता है स्टार के लिए वर्क करे बट एक्टर के लिए कहीं से एक्टर के लिए बहुत ही सैड माना जाता है ये एक्टर तो की कोई इमेज नहीं होती है एक्टर ज़ीरो इमेज होती है एक्टर की है ना True. क्योंकि आज अगर वो साधु संत का रोल कर रहा है कल वो कुछ और भी गैंगस्टर का भी रोल कर सकता है एक्टर का ये रेंज होता है मेरी मम्मी का ना फेवरेट एक्टर एक्चुअली जो बहुत मेरी मम्मी पसंद करती है वो है राजकुमार राव तो आज ही आने से पहले कुछ दो घंटा पहले हमारी बात हो रही थी तो मैंने मम्मी को बोला कि तो मॉम इज़ कमिंग टू बॉम्बे तो मेरी माँ ने बोला कि मुझे राज से मिलना है तो राज को मैंने कॉल किया था कुछ दिन पहले बिकॉज उनको एक बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है पॉपुलर कैटेगरी क्रिटिक्स नहीं पॉपुलर कैटेगरी फॉर अ रोल इन बधाई दो जिंदगी में पहली बार सर चार जो नॉमिनेशंस थे मतलब जिनको अवार्ड मिला है राजकुमार राव बोलो या फिर भूमि पेडनेकर या आलिया भट्ट भट्टॉर गंगूबाई या फिर आ, संजय मिश्रा चारों ऑन स्क्रीन जो कैरेक्टर्स थे जिन्होंने जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर्स थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे आपने कहा कि इमेज कॉन्शियस जो स्टार्स होते थे उन्होंने ऐसे रोल्स लिए ही नहीं क्योंकि वो मार्जिनलाइज्ड कैरेक्टर्स थे क्या आपको लगता है ये बहुत बड़ी विक्ट्री भी है फॉर आर्ट बिकॉज ऐसे कैरेक्टर्स को ना ऑफकोर्स कमर्शियली भी चल रहा है और आज के जमाने में पॉपुलर कैटेगरी में अवॉर्ड भी मिल रहे हैं पहले तो पॉपुलर होता ही नहीं था जूरी जूरी बोल के देते थे अभी तो पॉपुलर में भी देने लगे आपको लगता है कि नजरिया बदल रहा है हाँ डेफिनेटली बदलना पड़ेगा क्योंकि आर्ट इन सब चीज़ों के बियॉन्ड है आर्ट किसी भी चीज़ को किसी भी उसमें फंसी नहीं होती आर्ट का एक वास्ट परसेप्शन होता है ये तो बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए तो जो मार, आपके कतराना किसी एक कैरेक्टर से है ना तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है एक्टर के लिए तो बहुत ही अजीब से किसी एक्टर से सवाल करेंगे वो बोलेगा यार ये क्या है तो पहली बार हम हमने थिएटर में कभी इस चीज़ सोची नहीं हर तरह के कैरेक्टर के अवार्ड में जो भी जो भी हाँ जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है कि आपको अवार्ड मतलब आपको लगता था कि ये परफॉर्मेंस के लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए मुझे मिला नहीं 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 मैं कभी अवार्ड के लिए परफॉर्मेंस नहीं करता हूं ये थॉट लेके मैं परफॉर्मेंस नहीं करता हूं नहीं बट मुझे पता है कि आप नहीं करते हो सवाल ही पता नहीं बट हां बट कभी आपको नहीं लगा कि ये इसमें या फिर लोगों ने आपको नहीं बोला कि मुझे बहुत जगह पे लगाया आपके लिए मैं तो एक्टर नहीं हूं पर मुझे बहुत जगह पे लगाया कि शायद आपको ये आज ना आपके जैसे एक्टर्स को पॉपुलर कैटेगरी में नॉमिनेट भी करते पहले तो वो भी नहीं करते थे हम्म वो भी वो भी एक

और अद्भुत है साबिर की फिल्म है जिसमें डाइना पेंटिंग है और उसके अलावा अद्भुत हड्डी है हाँ, हाँ ये चार फिल्में हैं चार पाँच फिल्म वर्किंग विद कंगना कंगना तो उसमें प्रोड्यूसर थी और वो बहुत ही कमाल का की प्रोड्यूसर हैं आई थिंक मुझे लगता है कि उनको और भी प्रोड्यूस करनी चाहिए फिल्म में क्योंकि जिस तरह का माहौल उन्होंने बना रखा था सेट पे वो अमेजिंग था इन वॉट सर मतलब हर आर्टिस्ट हर टेक्नीशियन हर आदमी खुश होकर जाता था वहाँ से ये था फाइनली यू नो जब बीच में हमारा एक इंटरव्यू होने वाला था तो बहुत कुछ चल रहा था आपकी जिंदगी में एंड देर आर सो मेनी टाइम्स दैट वी वी हैव हैव मेट एंड स्पोकन अबाउट दिस आल्सो क्या आपको कभी कभी लगता है कि आप एक साइलेंस मेंटेन करते हो बहुत टाइम <coughs> एक रिस्ट्रेन आता है कि नहीं मुझे नहीं बात करनी क्या आपको लगता है कि मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि साइलेंस या चुप्पी को ज़्यादातर एक्सेप्टेंस माना जाता है ऑफ गिल्ट hmm. आपको लगता है ये होता है ये आज के समाज में स्पेशली कि जो साइलेंट बंदा बैठता है लोग मान लेते हैं कि यही है देखिए लोग तो पता नहीं क्या क्या मान लेंगे है ना अगर लोगों के मानने पे चलोगे तो अपना भूल जाओगे तो इसलिए अपने को नहीं भूलना है लोग आज ये मान रहे कल कुछ और मानेंगे है ना लोगों का तो ये है बर... तो आपको अपनी इंस्टिंग पे अपने थॉट पे अपनी उस पर चलना चाहिए आई थिंक वो 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 सबसे ट्रूथफुल वही है चीज़ कि लोग ये बोल रहे हैं तो मैं ये कर दूं नहीं 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 आप आप, आप देखिए अगर कोई सच है तो वो सच सच रहेगा लोगों के कहने से कुछ नहीं हो सकता लेकिन रे ने भी एक एक वक्त बोला था ना कि मैं उनकी सच्चाई है तो उनकी फिल्में थी वो बोलते थे कि भाई ये मेरी फिल्में हैं है ना मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरी जो नॉलेज है मैं उसके हिसाब से फिल्म बना तो फिल्म सोसाइटी भले कुछ भी बोले है ना फिल्म है तो वो डम डफ लोगों के लिए फ़िल्म बनाते हैं मेरी सच्चाई ये है

I'm happy that we did this. Thank you, Thank you very Thank much. I am Nawazuddin Siddiqui, and you are watching Bollywood Bubble.